उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिव्यांग जन सम्मेलन में मोदी को तीसरी बार जिताने की अपील की। भाजपा सरकार ने दिव्यांग जनों को मान और सम्मान दिया। पूरी शिद्दत के साथ तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से हर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा जी के निर्देश पर पीलीभीत के जंगरौली पुल में दिव्यांग जनों का सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ पीलीभीत के जिला संयोजक जगन्नाथ प्रसाद चक्रवर्ती ने नेतृत्व में हुए दिव्यांग जन सम्मेलन की अध्यक्षता वीरेंद्र रस्तोगी ने की। पूरनपुर से आए तनु मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ने पेंशन राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी। सरकार कृत्रिम उपकरण निशुल्क दे रही है। दिव्यांग जनों को आवास और उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दे रही है। दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक जगदीश शर्मा ने मोदी को जिताने की अपील करते हुए तन मन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने को कहा। हमारे दिव्यांग सेवक तनु मिश्रा जी आए सस्तोरी दीप मंडल का सस्तोरी माता मंदिर में हरे हरे आप लोग सागर साहब भी आए राजू साहब भी आए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।